एक वो रोटेशन देना चाहेंगे, बट दूसरी साइड पे वापस एक और नहीं वापस नहीं करना और कर चुका, तो वहां पर घातक के स्क्वाड के साथ हमको देखने को मिल रहा है फाइट विद जोकर टीम। यही मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि अभी 14 टीम है और इस जोन के बनने के बाद मुझे लगता है कम से कम 10 या 9 टीम मचने वाले, बट भीष्मा को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। नोवाकी की तरफ को देखे से कंफर्म भी कर देंगे, भीष्मा कंफर्म हो गए न्यू के द्वारा, बट ये अलग चीज देखने को मिली। लेक्सम की जो स्क्वाड है वो भी निकलेंगे। आरपीजी ब्लिज़ार्ड ने वीरू को डाउन किया और इंस्टेंट वीरू को कंफर्म भी कर दिया। मावी यहाँ पे गिर के लेक्सम की स्क्वाड जो थी वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती है, बट टेड ऊपर से शॉट देते हुए सेरिस को डाउन किया और इंस्टेंट कंफर्म कर चुके। जोनाथन अभी भी शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। जोनाथन न्यू मयूर एंड जी गॉड खेलेंगे, पायरेटोस इस मैच में नहीं है, घातक भी इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। बट हासी अंदर के साइड पे पूरा जोन इस वक्त बन चुका है, बट टेड की बात करें वो भी डाउन हो गए। नोवा किंग भी यहाँ पे वेस के द्वारा डाउन हो गए, तो हर तरफ से शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करते हुए सारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। नोवा किंग की बात करें वो भी कंफर्म हो चुके हैं। लेक्सम दो किल के साथ इस वक्त रहने वाले, क्लैश इनवर्ड्स वो भी डाउन करे जा चुके हैं। जोकर अपने आप को हील करेंगे। अच्छी खबर की जोन का पूरा एज इनके पास है और सदर्न इलाका पूरी तरीके से खाली है, ये कंफर्म होंगे। पीछे से कोई नहीं आने वाला, बट 8-bit बाकी एक अच्छा रोटेशन उनके द्वारा हमें देखने को मिला है। वहां पे उन्होंने किल्स निकाला था, आके आसी अंडर के साइड पे बैठे और अभी भी चार मेंबर्स के साथ वो जिंदा है। Yes, फोर मैन बच्चे वही एक शॉक में मेरे लिए तो शॉक है, क्योंकि जिस पोजीशन में वो लोग थे वहां पर उनके पास हीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं था, वहां से अपनी टीम को बचा के फोर मैन बचे हुए इस पोजीशन में आना एंड टॉप 11 में आ चुके, तो पोजीशन पॉइंट्स भी मिलेंगे। चार किल ऑलरेडी उनके पास थे, जोन के इतना अच्छा अनुकूल एरिया पे भी है, तो नेक्स्ट जोन कहां पर जाएगा वो तो एक डिपेंड करेगा बट नंबर दूसरी साइड पे अगर देखोगे तो अंकिता सी के स्क्वाड के साथ श्रीमान लेजेंड स्क्वाड का फाइट हमको देखने को मिला। सिर भी तो घर के अंदर से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत साफ वन मोड करने की कोशिश कर रहे थे, बट अंकिता सी के स्क्वाड के जो लास्ट प्लेयर बचे थे वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ नोवा किंग के स्क्वाड की बात करो तो नोवा किंग के स्क्वाड इस मैच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए। सर्वी इज द लास्ट एंड सोलो मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम एंड वो और ज्यादा सर्वाइव करना चाहेंगे, बट यहां पर 226 मीटर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बट क्लैश इनवर्ड्स स्क्वाड ने ऊपर एक नॉक निकाला सर्वी के ऊपर, पूरा पूरा जोकर स्क्वाड पुश करना चाहेंगे। दो बंदे बचे थे इनके तरफ से, सर्वी क्या 1v2 यहां पर निकाल सकता है, साथ फर्स्ट एड है वो इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे साइड से थक्कर स्क्वाड रोटेशन देते देखने को मिल जाए। जोनाथन ने ऊपर नॉक किया स्लेयर को एंड ये नेट क्या लगेगा वो लगेगा, वो बच गया, कैसे बचा बेजी पता नहीं, बट वो जस्ट नीचे के साइड पे था। शायद जोकर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उनके नीचे ही वो नेट गिरा था, बट मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इनको फाइट लेने की जरूरत है, इनको जोन के अंदर निकलना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट बनी दूसरे साइड पे गब्बर को डाउन कर चुके हैं, अभी भी जोकर की जो स्क्वाड है वो फाइट लेना चाह रही है, बट जोन चल चुका है और जोन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फनाटिक स्क्वाड अभी भी दूसरे साइड पे फाइट लेते हुए नजर आएंगे। न्यू की बात करें वहाँ पे मामा को उन्होंने डाउन कर दिया, तो 8-bit वर्सेस जो हमारी टीम घातक की स्क्वाड है उनके बीच में फाइट चल चुकी है। 8-bit वर्सेस फनाटिक की भी फाइट देखने को मिलेगी, वेस वर्सेस थक की जो फाइट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैक्स अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे और ये नेड ऊपर के साइड पे है, बट वो कोक्ड नेड नहीं है। फनाटिक के प्लेयर्स अभी भी ऊपर के साइड पे, एक और नेड वो कुक करके फेंकना चाह रहे हैं। जीक और अभी भी एडवांटेज पे फनाटिक के प्लेयर जिंदा और जोन का एक अच्छा उनके पास एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तीन नेट का इस्तेमाल किया गया था, वो बच गए, बट स्प्रे से क्या नॉक कर पाएंगे? बच गए भाई, बच गए, ओह माय गॉड, इस पावर के स्प्रे से बच गए। बैक टू बैक दो टाइम था, इस पावर को एक बुलेट करना चाहिए था कनेक्ट एंड वो बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए, बट छह इंपॉर्टेंट किल के साथ स्मोक वगैरह स्मोक पैड बना के जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बट क्या ही लक था। दूसरी साइड आईडी स्नेक के हाथ में वो नॉकआउट हो जाएंगे, बट इस पावर के ऊपर पूरा फनाटिक स्क्वाड का रिमेनिंग दो बंदे मैच के सर्वे पुश करना चाहेंगे, बट उसको ध्यान देना पड़ेगा। निक्सन ने दूसरी साइड पर श्रीमान को नॉकआउट कर चुका, निक्सन भी अब बोल पे द्वारा ट्रिप पे नॉकआउट होते हुए निक्सन को ओपी ऊपर खत्म कर दिया गया। टाइगर जो थे वो व्हीकल एक्सप्लोशन में खत्म होता है, श्रीमान भी व्हीकल एक्सप्लोशन में खत्म होते हुए, तो टॉप 7 स्क्वाड पे हम लोग आ चुका है। जी 16 पीपल स्टिल रिमेनिंग, थक का स्क्वाड इस मैच में अच्छा प्रदर्शन देके जा रहा है, बट और अच्छा प्रदर्शन देना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, टॉप 5 के आने के लिए, क्योंकि उन लोगों का फर्स्ट दो गेम उतना अच्छा सही तरीके से नहीं था। क्या इस मैच पे टॉप 3 आ पाएंगे, इस बार अपनी टीम को लेके आ पाएंगे, वो हमको थोड़ी देर के अंदर पता चलेगा। फनाटिक का टीम जो वेस्ट का टीम है बेसिकली, तो सेकंड मैच 0 पॉइंट के साथ गए थे, यहां पर पूरा का पूरा फायदा लेके जितना हो सके लेना चाहेंगे, बट एस पावर 1v1 क्या निकाल पाएंगे। सही था, एक चीज आपने देखा, फिनाटिक के टीम के मैक्सेस जा रहे थे, वेस रुक गए, वेस पीछे से अपनी टीम का कवर फायर दिए एंड थक का टीम को एलिमिनेट तो किए, बट उसके साथ साथ मैशकेस अंदर जाने के चक्कर में वो घातक के हाथ पे नॉकआउट हुए, घातक के टीम के हाथ पे, बट वो डिसीजन जो वेस की तरफ से था वो बहुत सही था, क्योंकि नहीं तो वहां पर उन दोनों को ही जाने नहीं देते इस पावर।
यस, कम से कम एक किल लेके गए इस पावर का, वो जो किल था वो टीएसएम के प्लेयर्स और बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने शॉट जरूर वहां पे कनेक्ट किए। 7 किल्स आपको घातक की स्क्वाड के पास देखने को मिले, बट 4 किंग की जो हम बात कर रहे थे कि प्लेसमेंट पॉइंट के लिए ज्यादा वो लोग जाते हैं और वही चीज देखने को मिला, एक किल है बट प्लेसमेंट पॉइंट टॉप 4 में अपनी टीम को गुरु ओपी लेके आए। पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया था, इस मैच में सर्वाइव करके उन्होंने अपनी टीम को इतना आगे तक लेके आए। अभी यहाँ पे न्यू ने एक टैप शॉट देके एक मेंबर को नॉक जरूर किया, बट नीचे के साइड पे आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे। गॉड निक्सन की स्क्वाड पूरी तरीके से स्पार्क यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। मे बी जस्ट मे बी वो टॉप प्लेस भी इस वक्त ले सकते क्योंकि ज्यादा दूर नहीं थे मॉर्टल स्क्वाड से, ज्यादा दूर तो नहीं थे, ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे लाइक 5 या 6 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ थे, बट बेसिकली ये अच्छा खासा प्लेसमेंट पॉइंट के साथ जा रहा है। बट क्लैश यूनिवर्स का स्क्वाड भी अगर बात करो पोजीशन पॉइंट्स के हिसाब से भाई ये स्क्वाड बहुत आगे है, बट अगर क्लैश यूनिवर्स को नॉकआउट किया जाएगा एंड उसका टीम से आखिरी बंदा फिर से न्यू बचे, भाई हमेशा न्यू ही आखिरी बचे रहते हैं। मॉर्टल एंड गॉड निक्सन स्क्वाड के बीच 4 पॉइंट का डिफरेंस था, मेजी 4 पॉइंट का डिफरेंस उतना नहीं होता, ओवरटेक करके चले जाएंगे इस मैच के बाद, बट क्या वो टॉप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं क्या? क्या फिनाटिक का स्क्वाड तो एलिमिनेट हो गया, उनके पास भी अच्छे खासे किल्स थे, तो वो लोग क्या यहाँ पर टॉप पे आ सकते हैं देखना पड़ेगा। वो तो हमारे स्क्वाड वोट जब आएंगे उनके तो साथ साथ उनको पता चल जाएगा, बट यहाँ पर एट लास्ट हमारे टीम दैट इज घातक टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 4 मैच स्टैंडिंग है, 7 किल्स है, तो इस बेसिकली 8 बंदे के अंदर 4 बंदे इनके टीम से है, दूसरे साइड पर निक्सन का स्क्वाड से 2 बंदे है, 4 किंग से गुरु बचे है, क्लैश यूनिवर्स से नियो बचे है, तो ये गुरु एंड ये नियो ये दोनों हमेशा अपनी टीम से लास्ट बचे रहते हैं। Yes, but Neo को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया, उनको डैमेज भी दिया गया, घातक की स्क्वाड भी आपको यहाँ पे ऊपर आती हुई नजर आ सकती है क्योंकि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्लेयर की बात करें वहाँ पे एक प्लेयर को डाउन किया गया, जोनाथन जिनको डाउन करा गया। गुरुपी के पास एक किल है बट टॉप 4 में अपनी टीम को लेके आए, प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले, किल्स भी मिलेंगे, बट Neo क्या एक बार फिर से अपनी टीम को टॉप 3 में पहुंचा सकते हैं जिस तरीके से वहाँ पे सैम ने पहुंचाया था क्लैश यूनिवर्स की टीम को। जोनाथन डाउन है, बचाने की कोशिश की जा सकती है, नहीं अभी भी उन्होंने Neo को स्पॉट करके रखा हुआ है। Neo की बात करें तो Neo को ही उन्होंने स्पॉट करा है, देखते हैं कितनी देर में Neo को डाउन कर सकते हैं, बट गुरुपी के पास एक अच्छा कवर आपको देखने को मिलेगा। टैप शॉट अभी भी चल रहे हैं बट स्मोक का एक अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलेगा वहां पे Neo के द्वारा। बाकी गॉड निक्सन के प्लेयर्स की बात करें तो जोन के अंदर है और 3 घातक की स्क्वाड लगभग सेंटर में है, बट गुरुपी को यहाँ पे स्पॉट कर दिया गया है। Neo के द्वारा पैर उनके दिखाई दे गए बट पेड़ का अच्छा कवर उनके पास है, बट इसके बाद 7वां जोन बनने वाला है, देखते हैं जोन किसको फेवर करेगा। जिसको फेवर करेगा चिकन डिनर हो सकता है और पूरी 3 घातक की स्क्वाड जोन के अंदर, बट जोनाथन का वो जो किल था वो Neo अपने नाम कर चुके हैं। 4 टोटल किल्स हैं और टॉप 4 में भी अपनी टीम को लेके आ चुके हैं। Yes, इस मैच का जो किल्स थे वो बेसिकली उनका 4 किल है, ये मैच का किल को अगर ऐड करोगे तो टोटल में वो लोग 5 किल के साथ रहेंगे, बट पोजीशन पॉइंट्स अगर बात करो 4th पोजीशन में आ चुके थे, 4th पोजीशन के लिए आपको 8 पॉइंट मिलते हैं, अगर 3rd पे आएंगे तो 10 पॉइंट मिलेगा, तो पोजीशन पॉइंट्स से भाई क्लैश यूनिवर्स स्क्वाड कभी भी किसी मूवमेंट से पीछे नहीं रहता। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बेसिकली जोन के अंदर प्रवेश करने के लिए एंड वो सही तरीके से इनके टीम के लिए भी हो रहा है, बट अगर यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर गॉड निक्सन के स्क्वाड से 2 बंदे जो है वो बचा अगर नहीं लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं बोलूंगा बट बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा इस सिचुएशन से, वो बहुत दिक्कत होने वाला है। Neo एंड पोकिंग से गुरु जो अपने टीम से लास्ट बचे हैं, वो जब जो बंदा पहले रोटेशन देगा ना वो खत्म होगा। Neo का पूरा ध्यान है पर पीछे के 2 बंदे के ऊपर है, उनको पता नहीं है कि दोनों के 2 बंदे अलग टीम से है, उनको लग रहा है कि दोनों के 2 बंदे एक टीम से होंगे, तो एक चीज होता है कि अभी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टीम ये दोनों में से किसके पास हीलिंग ज्यादा है, कौन हील बैटल करना चाहेंगे, कौन मूवमेंट देना चाहेंगे। गुरु को स्पॉट करते हैं, गुरु पर हील बैटल के अंदर आई थिंक खत्म हो सकते हैं, नहीं फर्स्ट एड लग चुका है, बच गए, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे गॉड निक्सन की जो स्क्वाड है उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि कम से कम टॉप 2 में अपनी टीम को लेके आ जाए क्योंकि 7 प्लेयर ही केवल इस वक्त जिंदा है और उनको अंदाजा होगा कि शायद मे भी सामने के साइड पे प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने देखा हमारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है उनको नहीं पता, बट हील बैटल के लिए टीम गॉड निक्सन की टीम अगर जाती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा सही इस वक्त रहने वाला है क्योंकि टॉप 2 पे अगर आए यहाँ पे जीगॉट के द्वारा डाउन है, पूरी तरीके से उनको कंफर्म किया गया, एक बार फिर से टॉप 3 में अपनी टीम को लेके आ चुके हैं। जो Neo थे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्लैश यूनिवर्स की टीम टॉप 3 पे एक बार फिर से आ चुकी है और एक अच्छा प्लेसमेंट के साथ को डाउन किया। गॉड निक्सन खत्म हो चुके थे बट क्रैटोस अकेले आखिरी प्लेयर अपनी टीम से जिंदा है, बट Neo ऊपर से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, बट स्लेयर को यहाँ पे जीगॉट के द्वारा कंफर्म किया गया। क्रैटोस अंदर के साथ पे हील बैटल कर रहे हैं बट Neo कहाँ पे है अभी तक, वो शॉट नहीं कनेक्ट कर रहे, मुझे लगता है शॉट कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा तरीके, बट क्रैटोस अपने आप को हील कर रहे हैं तो उनको डाउन किया गया और Neo अपनी टीम को टॉप 2 पे लेके आए और अभी भी सामने के साइड पे 1v3 का सिचुएशन होता हुआ। क्या Neo अपनी टीम के लिए क्लच निकाल सकते हैं? लगता तो नहीं, बट हेलमेट के पास शॉट देने की कोशिश की, एक मेंबर को नॉक किया, दूसरे को लो, बट जोन का डैमेज थोड़ा सा ज्यादा डाउन हुए और इसी के साथ टीम घातक की स्क्वाड एक अच्छा स्पार्की चिकन